वैसे तो राजस्थान अपने आर्ट और कल्चर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और यहीं का एक शहर उदयपुर जहां की गलियों में हम गए हैं शॉपिंग करने के लिए। क्या क्या सामान आप खरीद सकते हैं और वो कैसे बनता है, हमने इसी की जानकारी ली है। मैं रुचिका आपके साथ हूँ और आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर के फेमस शॉपिंग मार्केट कौन कौन से हैं। जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, ये वाला जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपको शॉपिंग का बड़ा शौक है, राजस्थानी कल्चर और आर्ट की क्या शॉपिंग आप कर सकते हैं उदयपुर में रह के, ये मैं बताने वाली हूँ। तो अभी हमारे साथ यासीन अली सर जी हैं और वो मिनिएचर आर्ट पे कुछ काम कर रहे हैं। सर कितना टाइम हो गया है आपको ये आर्ट करते करते और कैसे आप कर लेते हैं इतनी बारीक पेंटिंग? जी मुझे 20 साल हो गए करते हुए जी, और मुझे मेरे गुरुजी ने सिखाया है। अच्छा अच्छा, मुझे सीखने में कम से कम 5-6 साल लगे। अच्छा, सीखने में 5-6 साल लगे आपको, और आपको कितना टाइम हो गया है, आप लोगों को सिखा भी रहे हैं? क्योंकि मुझे 10 साल हो गए सिखाए। अच्छा, और आप खुद भी बहुत ये प्यारी सी पेंटिंग आप क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पॉन्स आता है इसमें टूरिस्ट का और जो लोकल आइट्स है या फिर जो बाहर से आते हैं? टूरिस्ट काफ़ी पसंद करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, जो पेंटिंग या आर्ट को समझते हैं वो इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। अच्छा, अभी हमारे साथ मोहन जी हैं जो कि ये डायरी स्पेशलिस्ट जो होती है, राजस्थान की लेदर डायरी बड़ी फेमस है। इस डायरी में हम देख सकते हैं कि ये जो डायरी है ये इसके पेपर है वो भी हैंडमेड पेपर। तो मोहन जी ये बताइए कि स्पेशलिटी क्या है इस डायरी की? इस डायरी के ऊपर क्या है ना, ये लेदर बार से आता है। हाँ हाँ। और ये जो एम्बोजिंग की डिजाइन वगैरह जो दिख रही है ना। हाँ हाँ हाँ। ये सभी हम यही बनाते हैं। ये देखो ये सुंदर। अच्छा, अब इसी से क्रिएट करते हो? हाँ 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 हाँ। अच्छा, क्या कीमत से चालू है अपने पास डायरी और किस कीमत पे जाके खत्म होती है? 50 रुपए मैक्सिमम, 50 रुपए से ज्यादा से ज्यादा 2,000, 2,500, 3,000। अच्छा। तक जितना पेपर, जितना कवर, जितनी मेहनत होगी उस हिसाब से पैसे लगेंगे। सर एक और टाइप की डायरी आती है, ये पेंटिंग वाली डायरी ऊपर पड़ी है ये। तो अभी एक और डायरी की बात यहाँ पे हो रही है जिसका नाम है हैंडीक्राफ्ट डायरी। सर इसमें राजस्थान की कला जो है वो प्रदर्शित हो रही है, क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे और ये कैसे अलग है इन डायरी से? ये तो क्या है ना, लेदर के ऊपर पेंटिंग में वाटर कलर से करता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और इसके ऊपर लेमिनेशन लगा देता हूँ इस वाली डायरी। हाँ, लेमिनेशन। अच्छा। किया हुआ है। अच्छा, और अब खत्म नहीं होगा ये। तो ये आर्ट अपन ने बनाई हुई है? हाँ, ये अपने दिमाग से ही है। अच्छा अच्छा, तो अभी हम खड़े हैं मालदा स्ट्रीट पे और जो एक फेमस स्ट्रीट है उदयपुर शॉपिंग के लिए, और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो दुल्हन के बहुत सारे वेस्ट, साड़ी और सलवार सूट बहुत सारे अलग स्टाइल में आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ की बात करें कि यहाँ पर जो है सामान या जो मटेरियल है जो वो आता है बेसिकली बेंगलोर से, कोलकाता से, मुंबई से और सूरत से, काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर कलेक्शन है मालदा स्ट्रीट में। सिर्फ आपको इसी सामान की जो है चीज़ें मिलेंगी। अगले शॉपिंग प्लेस की बात करें तो अभी हम आ गए हैं हाथी पोल पर। तो यहाँ पर लहरिया और दुपट्टा बड़ा ट्रेंड में चलता है, यानी आप देख सकते हैं बंदेज, जैसे कि ये जो मेरे हाथ में है ये अभी बंदेज है, और इस तरह के अगर आप दुपट्टे लेते हो या फिर लहरिया जो कि बरसात में काफ़ी पहनते हैं राजस्थानी लोग उदयपुर शहर में। ये अभी हम गंगा जमुना सरस्वती करके एक शॉप है वहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 200 रुपये से ये कॉस्ट चालू होकर करीब 2,000-2,500 दुपट्टे के साथ साथ साड़ियाँ और जैकेट्स, इस तरह से काफ़ी चीज़ें अवेलेबल। तो मेवाड़ में आके अगर आपने मेवाड़ी पगड़ी नहीं खरीदी और नहीं पहनी जो यहाँ की शान मानी जाती है, तो फिर क्या करा। कॉस्ट की बात करूँ तो 100 रुपये से ये पगड़ी जो है वो चालू है इसकी रेट, और काफ़ी अच्छा लुक आता है इसको, लेडीज भी पहनने लग गए हैं आजकल, पर जेंट्स में, शादी में, बारात में ये इसका बड़ा चलन है राजस्थान की अगर मैं बात करूँ। अगर
आप शॉपिंग करने आए हो, राजस्थानी जूतियाँ बहुत फेमस है, यानी कि उदयपुर में अगर आप आते हो देखते हो तो इस टाइप से आपको जूतियाँ मिलेगी। आर्टवर्क होता है इसमें, राजस्थानी आर्टवर्क, और हम बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप की यहाँ पे बहुत सारी जूतियाँ हैं। वॉल सेलिंग में बहुत सारे ऐसे मोजरिया जिसको बोलते हैं वो है, और मोची बाजार में इसके लिए बहुत फेमस है उदयपुर में। और अगर हम बात करें कॉस्ट की तो करीब 250 रुपये से 200 रुपये से करीब कॉस्ट इसकी आपको 200-250 रुपये में अच्छी जूतियाँ लेदर की मिल जाएगी। बात करूँ तो 100 रुपीज़ से कॉस्ट चालू होगी, करीब 500-1000 रुपये तक इसकी प्राइस जो है वो जाती है।